भी थे वो लोग एक गेट को तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में, 100 आदमी घुस गए एक साथ में और पूरे इमरजेंसी को तोड़ फोड़ गए। वो लोग का टारगेट नहीं था इमरजेंसी तोड़ने का, हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग का कुछ करने का। जला भी दिया है, हाँ जला दिया, चेयर पेयर सब भांग दिया, टॉप से मारा गया, जो मिला उसको मर पड़ गया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था वही टाइम में। कौन थे ये लोग और कैसे? वो लोग तो मिसिल करके आया अंदर में घुसा, मिसिल करके अंदर में घुसा। हम लोग को मालूम नहीं कौन पार्टी का है का किसका है, वो लोग घुस के ही भांग पड़ गया। हम लोग का कोई स्टूडेंट अंदर में बाहर में थे, वो लोग को घुसाने के लिए हम गेट खुला है, गेट खोल के खुला वही टाइम में वो लोग घुस गया। तब कोई पेशेंट था इमरजेंसी में? नहीं, वही टाइम में यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं था। अच्छा, तो पुलिस उनको रोकने की कोशिश नहीं? प्रचुर कोशिश किया पुलिस, कोशिश किया हम लोग, कोशिश किया हम लोग 10-12 आदमी थे, पुलिस भी थे वो लोग एक गेट को तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में, 100 आदमी घुस गए एक साथ में और पूरे इमरजेंसी को तोड़ फोड़ गए। वो लोग का टारगेट नहीं था इमरजेंसी तोड़ने का, हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग का कुछ करने का। जला भी दिया है, हाँ जला दिया, चेयर पेयर सब भांग दिया, टॉप से मारा गया, जो मिला उसको मर पड़ गया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था वही टाइम में जो हम लोग पहुंच रहे। आर्चिकर अस्पताल के सामने जो है हम पहुंचे, आप देखिए यहाँ पर पुलिस का जो है यहाँ पर एक बाइक जो है वो तोड़ दी गई है, गाड़ियां तोड़ दी गई है पूरे कोलकाता शहर में। जहाँ एक तरफ साइलेंट मार्चेस चल रहे थे महिलाओं के और यहाँ पर पुलिस की तरफ से टियर गैस शेल्स को फायर किया जा रहा है। आप देखिए कहा जा रहा है कि कुछ गुंडों ने यहाँ पर जो आर्चिकर अस्पताल में चल रहा था प्रोटेस्ट वहाँ घुसकर सबसे पहले तोड़फोड़ मचाई, इमरजेंसी विभाग में घुसे और साथ ही जो है बेड को तोड़ दिया, शीशे को तोड़ दिया और यहाँ पर पुलिस घंटों तक जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी लेकिन बिल्कुल नाकाम रही पुलिस। आपको बताएं कैसे इस इतने बड़ी घटना के बाद जब एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद एक स्थानीय मॉब और जो गुंडे हैं वो घुसकर तोड़फोड़ मचाते हैं, घंटों तक जो है पुलिस अंदर घुस नहीं पाती है। ये आप देखिए तस्वीरों में दोनों तरफ से मॉब से घिरा हुआ ये पुलिस का जो दल है यहाँ पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पुलिस को यहाँ पर पत्थर फेंका जा रहा है, आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई है और इस स्टोन पेल्टिंग के बीच पुलिस को सिचुएशन पर काबू पाने के लिए टियर गैस शेल्स को फायर किया करना पड़ा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस आर्जिकर अस्पताल के गेट के सामने। देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, किस तरह से ये तमाम जो बैरिकेड है इसे गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है और एक जो मंच बनाया गया था ठीक अस्पताल के गेट के सामने लेफ्ट पार्टीज का उसे तोड़ दिया गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब इतना बड़ा एक क्राइम होता है तब देखिए आपको फिर दिखा रही तस्वीरों में पुलिस के ऊपर अभी फिलहाल पथराव हो रहा है और पुलिस को काबू पाने के लिए इस पूरे सिचुएशन पर टियर गैस को फायर करना पड़ रहा है। लेकिन फिर एक बार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे किस तरह से यहाँ पर कुछ गुंडों ने दहशत मचाई, इतना सामान जो है तोड़ा फोड़ा और घंटों तक पुलिस जो है यहाँ पर आंख मूंद कर खड़ी रही, इस मॉब पर काबू नहीं पाई। और अभी जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये आर्जिकर अस्पताल का मेन गेट है। इस मेन गेट की आप अवस्था देखिए, किस तरह से जो बैरिकेड लगाए गए थे उसे फिलहाल पूरी तरीके से यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और जो मंच था यहाँ पर डॉक्टरों का जो यहाँ पर आंदोलन पर बैठे थे ये पूरा मंच जो है तोड़कर यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। ये देखिए ये अवस्था है आर्जिकर अस्पताल की, यहाँ पे लगातार पुलिस जो है खड़ी रही देखती रही जब एक मॉब अंदर घुसकर ये तमाम जो है काम करते रहे। हम आपको और तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये है इमरजेंसी विभाग सुबह की तस्वीरें देखिए और अभी की। ये देखिए इमरजेंसी विभाग से तमाम चीजें बाहर निकाल दी गई, यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है, गेट को तोड़ दिया गया है
और लाइटें, पंखे, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। ये हालत देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएं, इस इमरजेंसी विभाग का ये भी हिस्सा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जैसे जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि आपको बता दें मरीज पिछले कुछ दिनों से इतना सफर कर रहे थे डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से, ऐसे में जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो ही रही थी और जो डॉक्टर है उनकी जो है मांगे पूरी हो रही थी, और हम ये आशा कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द इमरजेंसी और ओपीडी में ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, उसी के बीच आप देखिए यहाँ पर लाइट और पंखे की हालत आप देखिए, पंखा को भी बख्शा नहीं गया है। और ये देखिए, ये एक नर्सिंग रूम है, नर्सिंग रूम का इतना सामान जो है वो तोड़ दिया गया है, रैक्स को उल्टा दिया गया है, फ्रिज को ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो है खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और हम जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये आप नजारा देखिए, यहाँ पर ये इमरजेंसी बचा है। और ये विभाग आप देखिए, इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड मेल, यहाँ पर मैं अंदर घुसकर आपको सिचुएशन बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये विभाग में ये अच्छा हुआ कि उस समय कोई मरीज नहीं थे, क्योंकि अगर उनके साथ ऐसा होता तो पता नहीं तब मरीज की हालत क्या होती। एक के बाद एक आप देखिए बेड में क्या हालत बनाई गई है, ऊपर सीलिंग से लेकर पंखे, लाइट, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देखिए बेंच को उल्टा दिया गया है, सामान जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है, जो टेबल्स है वो भी टूटे हुए हैं। अब हम इस इमरजेंसी विभाग में जब और भी अंदर दाखिल होंगे तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी सामान जो है वो इंटैक्ट नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पर तोड़ फोड़ कर जो है खत्म कर दिया है इन दंगाइयों ने। सवाल ये उठ रहा है, जब कोई अंदर घुसकर महिला ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जब रेप और हत्या हो जाती है, उसके बाद भी जो है सरकार एक्शन में नहीं आती है, क्योंकि अगर सरकार ने इस पूरे इंसिडेंट से अगर कोई सीख ली होती तो आज इस आंदोलन कर रहे डॉक्टरों पर हमला ना होता, और इस तरह से जो दंगाई और जो गुंडे घुसे थे इस तरह से पूरे जो इमरजेंसी विभाग को तोड़ते फोड़ते नहीं, और आंख मूंद कर पुलिस जो है घंटों तक खड़ी रही, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की बाइक जो है वो तोड़ दी गई, उल्टा दी गई यहां पर, और उनको घंटों लगे इस पूरे परिस्थिति को काबू में लाने में। और ये जो मॉब था सर, अभी क्या सिचुएशन है सर? तो डीसी जो है, डेप्यूटी कमिश्नर, वो मौके का जायजा लेते हुए वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इस पूरे जो है इमरजेंसी विभाग में घूम रहे हैं अभी, हालांकि वो बात नहीं करना चाह रहे, शायद पुलिस के पास अभी कोई जवाब भी नहीं होगा देने के लिए, क्योंकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जब रेप और हत्या कर दी जाती है उसके बाद एक बड़ा दल दंगाइयों का, गुंडों का घुसकर इमरजेंसी विभाग का ये जो है हर्ष करता है, और ये परिस्थिति है। हम इसके बाहर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं क्या परिस्थिति है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल सवाल उठा है कि आखिरकार ये लोग कौन थे, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना नाता रख रहे, लेकिन पुलिस के पास फिलहाल कोई भी जवाब नहीं है कि इस परिस्थिति में जो हुआ और जिन लोगों ने ये पूरा वाकया किया उसके पीछे ये जिम्मेदारी किसकी थी। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ, नव भारत।